कैसे करके है? कितना बोले? लीजिएगा भुट्टा। भुट्टा लीजिएगा। मैं खाऊंगी भेल पूरी। बेटा आइसक्रीम खा रहा है, अभी ने भुट्टा लिया है। मैं भुट्टा पर्सन नहीं हूँ, मैं भुट्टा पर्सन नहीं हूँ। और हम लोग आए हुए हैं अभी मरीन ड्राइव आए हुए हैं। अवे ही संडे था, टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा खुद के साथ टाइम भी बिताते हैं यार। नॉर्मली तो ऐसे हम लोग काम में व्यस्त रहते हैं इधर उधर, तो बस आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोगों की तरह बहुत सारे लोग सुकून की तलाश में आए और सब एक ही जगह आ चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा यूज भीड़ है। आप देख सकते हैं इधर भी और इधर भी। हम लोग तो पूरे कोने में आए हुए हैं, तो भीड़ उतना कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिलहाल मैं अपनी भेलपूरी इंजॉय करती हूँ और सुकून से थोड़ा बैठते हैं और क्या। याद ही नहीं था। हम लोग जा रहे हैं घर। बहुत आराम किया हम लोगों ने, बहुत मजा आया, बहुत मस्ती की हम लोगों ने यहाँ पे। और अब चलते हैं घर। संडे की शाम बन गई बहुत अच्छी। अगर आप लोग यहाँ रहते हैं पटना में, तो आइए मरीन ड्राइव, कभी सुकून के पल बिताइए। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। एक तरह से बोला जाता है जैसे जूहू बीच वगैरह पे भीड़ होती है, वैसे यहाँ भी हर शाम भीड़ होने लगी है। तो अच्छा है घूमने के लिए, बैठने के लिए अच्छा है। तो मिलते हैं अब आपसे, देखते हैं कब। तो बने रहिए ब्लॉग में। गाड़ी हम लोग शाम को आए थे ऑफिस के लिए कुछ वेजिटेबल्स लेने के लिए, तो घर के लिए फ्रूट्स भी ले रहे थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो टमाटर साइज़ का पता नहीं क्या है, तो मैंने वो भी लिया फ्रूट्स में। और उसके बाद हम लोग यहाँ से शॉपिंग करके निकले। आ गई हूँ मैं घर, थक गई, सीढ़ी चढ़ के आई हूँ। मैं ज़्यादातर सीढ़ी से ही चढ़ना उतरना प्रेफर करती हूँ, रीज़न तो आप सबको पता ही है, क्या ही बताना। तो बस ये बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा फेस देख के आपको डर लग ही रहा होगा। तो अभी डिनर भी बनाना है, तो पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है? तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। खाना बन गया है और ये है एक कड़ी,
इतना अच्छा कलर आया है। ये मैंने कुछ सूखे आलू बना दिए हैं, अपने लिए बनाया है राइस, बस खाना डन, चलते हैं खाने। जरूर जरूर लेंगे, बस सैलेड काटना बाकी रह गया है, उसे फटाफट से कट कर लेते हैं। पहले सैलेड भी कट गया है, अब खाना खाते हैं। और मैंने कुछ दिन पहले शॉपिंग करने गई तो वास लिया था, वहाँ से मैंने पान के फ्लेवर का मज़ा आ जाता है खाने के बाद, एकदम रिफ्रेशिंग हो जाता है। वही खा रही हूँ खाने के बाद, तो मैं मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में। अगर ये ब्लॉग छोटा छोटा कट रहा है तो कितने दिनों में पूरा हो पाएगा, तो आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। चलिए चलते हैं, बहुत खाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। ये बात मैंने इस ब्लॉग में नहीं बोला था, तो मैंने सोचा कि एक बार बोलते हैं। और चाय पानी तो कप का हो गया है, और आज नाश्ते में हम लोग सोच रहे हैं कि इसका शरबत पिए। ये बेल है, आपने कल देखा होगा कि मैं मार्केट गई थी तो इसे लेके आई। एक्चुअली बेल लेने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैं कब से देख रही थी कि वो जो ठेला वाले अंकल थे वो तब से बेचने की कोशिश कर रहे थे, बट उनका दिख ही नहीं रहा था, कोई आ ही नहीं रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। तो वैसे मुझे बेल लेना नहीं था, बी ऑनेस्ट, बट मैंने देखा कि काफ़ी देर से हम लोग शॉपिंग करने गए थे ऑफिस के लिए, तो मतलब सब्जी वगैरह लेने गए थे तो उनका बिक नहीं रहा था, तो मैंने सोचा यार ले लेते हैं कुछ, तो मतलब इनका भी बिके जब सब लोगों का बिक रहा है। तो बस, तो मैंने उनसे बेल ले लिए। आप लोग भी ऐसे अगर छोटे छोटे दुकान हैं जहाँ पे लगता है कि उनसे कुछ चीज़ें ले लेनी चाहिए ताकि उनके घर के बच्चे खुश हों, कुछ खा पी पाए, तो प्लीज़ ऐसा कीजिएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, मैं तो एक टाइम सोचती हूँ कि सारा ही खरीद लूँ, बट उतना खरीद के क्या ही करेंगे। तो मैंने अपने लिए जो मुझे चाहिए था उतना लिया मैंने बेल। और ये हम लोग सिरफल बोलते हैं इसको, नॉट श्रीफल, सिरफल बोलते हैं। दादाजी टाइम बहुत लेके आते थे एक टाइम पे घर पे, और बोलते थे इससे खून साफ होता है, इससे पेट साफ होता है, इसका शरबत पीना चाहिए। तो हम लोग पहले बहुत पीते थे, शादी से बहुत पहले, मतलब छोटे थे तब, अभी तो नहीं आता है। तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, पुराने दिन भी ताज़ा कर लेंगे, और एक बार ट्राई भी कर लेते हैं कि इसका टेस्ट भी मैं भूल गई हूँ कि कैसा लगता है। तो इसलिए मैंने ले लिया, और अब मैंने सोचा कि नाश्ते में इसका शरबत बना के पीते हैं, फ्रेश एकदम ताज़ा ताज़ा, और इससे ज़्यादा नेचुरल क्या ही होगा, है ना। तो बस इसका हम लोग फ्रेश ताज़ा ताज़ा जूस बनाएंगे। एक्चुअली ये मुझे बनाने तो आएगा नहीं, बट ठीक है, बोलते हैं अभी लोग तो मिल के बनाते हैं कैसे क्या होता है, और उसके बाद पीते हैं इसका जूस। तो बने रहिए, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि कैसे इसका जूस बनता है, ठीक है। चलिए चलते हैं सबसे पहले। बहुत सख्त है ये, नहीं ये देखिए इसका कवर निकल गया है। हम लोग इसलिए भी चम्मच से खाते हैं, बाद में खाया जाएगा, इसलिए इसको रख दिए हैं। और शरबत जो है वो अभी बना रहे हैं, तो उसके बाद ये हम लोग बाद में खाएंगे। आई थिंक लंच के टाइम इसको खाने में मज़ा आएगा, और अभी फ़िलहाल शरबत इंजॉय करते हैं जो कि अभी बना रहे हैं। मुझे नहीं बनाने आता है, बियोनेस तो मैं खड़ा होकर देख रही हूँ, सीख लिया मैंने कैसे बनता है। तो बस हम लोग पियेंगे तो बन जाता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर कैसा आया है। मेरी मम्मी और बड़ी को इतनी बड़ी सजा मत दो। हाय एवरीवन, वापस आ गई हूँ, इग्नोर माय फेस, मैं सो के उठी हूँ। और मैंने नाश्ते में जैसे कि आपको बताया था कि मैंने सिर्फ गन्ने वो बेल का जूस पिया था, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो कल हम लोग गए थे तो जैसे आपने देखा कि मैंने ये लिया था, अपने देखा ही, तो हम लोग अभी ये खाएंगे, हम मतलब मैं खाऊंगी नाश्ते में, बेटा तो अपना रोटी वगैरह खा चुका है, और अभी मैं इसे खाऊंगी अपने स्पून से निकाल के,
और इसका जूस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब बना था। अगर ज़्यादा मीठा है तो आपको चीनी अवॉइड कर देना चाहिए, और अगर आप ज़्यादा मीठा पीते हो तो आपको चीनी ऐड करना पड़ेगा। सिंपली पानी और उसके जो बीच का जो पोर्शन होता है उसको अच्छे से मसल के पानी में मैश किया जाता है एंड देन उसको अच्छे से छान लिया जाता है। शरबत रेडी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो इस ब्लॉग को मैं और कट 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 करके लंबा नहीं करने वाली हूँ, मैं इसको यहीं एंड कर देती हूँ। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगी तो इसलिए मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।